हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। आज है रामनवमी, तो सभी देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बना रहे हैं मट्ठा। जो राम भक्त है, जो रामनवमी की रैली देखने के लिए जाते हैं, शोभा यात्रा देखने के लिए जाते हैं, तो आज हम बनाने वाले मट्ठा। और हर साल बनाते हैं, लेकिन 2-3 साल से कोविड चालू था, तो उस टाइम ना रैली निकली और ना ही मतलब परमिशन मिल रही थी। तो इस साल फाइनली हम बना रहे हैं। तो आज हमारे साथ है हेरी भैया वगैरह आए हैं, और आज हम बनाने वाले मट्ठा, वो भी बनाने वाले हैं, 1 से 1.5 राम मट्ठा बनाने वाले हैं। वैसे आज रामनवमी की जो शोभा यात्रा है ना, मतलब रैली नहीं निकलने वाली है, लेकिन हम जो भी भक्तगण हैं उनके लिए एक मट्ठे का मट्ठा जो प्रोग्राम्स है वो रखा है। तो अभी चलिए दिखाता हूँ किस तरीके से वो हम मट्ठा वगैरह बनाने वाले हैं। अभी हमारे साथ आए हुए हैं मट्ठा जो भी बनाने वाले हैं, हेरी भैया ही बनाने वाले हैं। इनको बहुत अच्छे से बनाने आता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो पानी के ड्राम्स वगैरह है वो भी आ चुके हैं। और इधर आप देख सकते हैं जो दही के पीपे है, वो दही के पीपे भी आ चुके हैं। स्टॉल के लिए जो टेबल लगते हैं वो भी आ चुके हैं। और हमारा मंडप भी है, तो अभी बस खाली देर है पानी के टैंकर की। पानी का टैंकर बस थोड़ी देर में आने वाला है। फिर हम किस तरीके का इसका प्रोसेस होने वाला है, किस तरीके से बनाने वाले हैं, तो पूरा इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अभी फाइनली मट्ठा बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो अभी भैया क्या क्या डालने वाले हैं सब इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, और किस तरीके का ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। तो अभी देख सकते हैं ठंडी आ गई है, इसमें जाएगा मटेरियल्स, मिर्ची ओके जाएगी मिर्ची। ये जा रहा है सांबार। और ये पूरा मतलब 200 से 250 लीटर मट्ठा बनने वाला है। तो आप देखिए इस तरीके की ये मट्ठे की प्रोसेस होती है। अभी हम उसको 2 पार्ट में बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ये छोटे साइज का है, तो एक साथ बन नहीं पाएगा। तो पुदीने का ये पेस्ट है, देख सकते हैं पुदीने के पेस्ट रहने वाला है। और देखते हैं जीरा पाउडर ओके, ये मसाला तैयार हो रहा है ना, जीरा पाउडर जी, ये मसाला तैयार हो रहा है, ये जीरा पाउडर है ओके, ये काला नमक है ओके, ये पूरा काला नमक जाने वाला है, सादा नमक ओके, काला नमक के साथ सादा नमक भी आने वाला है। नमस्कार करता 50-60 लीटर तो बनता है। और आप देख सकते हैं एकदम मलाईदार रहने वाला है, मलाईदार दही ओके। ये अभी दही जा रहा है, तो धीरे 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 हम मेल्ट करते हैं, घोटते जाना है, धीरे धीरे पूरा मेल्ट हो जाएगा। पूरा मसाला तैयार होने के बाद इसका जो है उसको पानी में मिलाकर, ठंडे पानी में मिलाकर, थोड़ा पानी दो, दही की दही भी एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है, फ्रेश दही है, फ्रेश दही है, मट्ठे के लिए फ्रेश दही होना, ज़्यादा खट्टा भी नहीं, ज़्यादा मीठा भी नहीं। डाल ये थोड़ा सा पानी जाएगा, मशीन का ही मशीन
फेंटने जीते जा आप ले जाके और जीते पड़ो जीते चल फाइनली हमारा ये मट्टा तैयार हो चुका है तो अभी इसको डालेंगे ड्राम के पानी में। तो चलिए, और हमारे साथ है गज्जू भैया और हैरी भैया भी है हमारे साथ में। तो चलिए, अभी इसको फिर से फेंटना पड़ेगा ना। हाँ। और अभी इसको फिर से बर्फ, ठंडा बर्फ डालना पड़ेगा, फिर उसको फिर से फेंट कर फिर करते हैं इसका प्रोसेस, और टेस्ट करके भी बताऊंगा कि किस तरीके का इसका टेस्ट आने वाला है। और इधर में पूरा डीजे वगैरह लगा है और पैंडल वगैरह है, साथ में यहाँ पर स्टॉल लगने वाला है, तो यही से पूरा सर्व करने वाले हैं आने वाले लोगों के लिए। तो देख सकते हैं अभी और एक कैन बनने वाली है, तो अभी चलते हैं। तो फाइनली हमारा भट्टा बन के रेडी हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर से धनिया वगैरह डाल दिए है, बर्फ भी डल चुका है और अब ये रेडी हो चुका है। तो टेस्ट भी करके देख ही लेते हैं किस तरीके का टेस्ट रहने वाला है इसका। तो आप देख सकते हैं हमारा भी स्टॉल वगैरह कंप्लीट हो चुका है, अब बस राम जी की एक फ़ोटो आने वाली है और फोटो की वगैरह पूजा होने के बाद ये सब हम लोगों में सर्व करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं फाइनली हमारा बन चुका है। देखना उठा उठा स्वामी